हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आज यूआईडी नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर अनदर पैन कार्ड के बारे के अंदर। गाइज, जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन के ऊपर साफ देख पा रहे हो, एक ऑब्जेक्शन लगा है। ये ऑब्जेक्शन क्यों लगा है गाइज, इसकी सारी जानकारी गाइज इसमें इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी एक ई मित्र आधार या CSE सेंटर चलाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये ऑब्जेक्शन क्यों लगता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्शन कस्टमर ऑलरेडी पैन कार्ड बनाया हुआ होता है और अपन इसको दोबारा से अगर इसको आवेदन करेंगे तो ये ऑब्जेक्शन अक्सर लगेगा। कई बार क्या होता है, कस्टमर पैन कार्ड बना लेता है, उसे पता नहीं रहता है और वो दोबारा फिर से अप्लाई कर देता है, तो इस कंडीशन में भी ये ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो आई होप इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वैसे तो फ्रेंड ये 1 मंथ के अंदर कस्टमर के होम डिलीवरी हो जाता है इस ऑब्जेक्शन के अंदर, पर अधिकतर चांस में ऐसा नहीं होता है। 10 पैन कार्ड में से ओनली 2 पैन कार्ड का ही होम डिलीवरी हो पाता है। 2 पैन कार्ड उन्हीं का होम डिलीवरी होता है, जैसा कि माना किसी का नाम सीताराम यादव है, फिर दोबारा से उसको न्यू पैन कार्ड अपन अप्लाई कर रहे हैं वो उसी नेम और सेम डाटा से होगा, तो उसी कंडीशन के अंदर ही आपके ये होम डिलीवरी हो पाता है। फ्रेंड्स सेकंड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं 2 ऐसी एक वेबसाइट डालूंगा, उसके अंदर आप कस्टमर का पैन कार्ड बनाने से पहले सिर्फ आधार नंबर से फाइंड कर सकते हो यह कस्टमर का पैन कार्ड बना हुआ है या नहीं है। तो आप ले इन शॉर्टली आपको 2 डिजिट के अंदर आपको पैन नंबर बता देगा शॉर्ट के अंदर, जैसे किसी का जेम एम है और डॉट डॉट लास्ट में 2N है, तो वैसे शॉर्ट के अंदर आपको पैन नंबर बता देगा, तो उससे आप समझ पाओगे कि ये कस्टमर का पैन कार्ड पहले से बना हुआ है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं तीसरे सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ मैं आप लोगों को एक डिस्प्ले के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नंबर शो कर रहा हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स 1800180 1961, ये गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियली नंबर है। इन पे आप लोगों को कॉल करना है। कॉल करने के बाद में जो आपको ऑब्जेक्शन लगा है UID नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर अनदर पैन कार्ड, ये ऑब्जेक्शन के बारे के अंदर आप लोगों को बताना है। आपसे बेसिक से सवाल करेंगे, आपका नेम, फादर नेम, DOB, मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपको यहाँ से पैन नंबर प्राप्त होंगे। ये पैन नंबर मिलने के बाद में आप फोटो और सिग्नेचर करेक्शन करेंगे CSF सर्विस के अंदर जाके। जैसे ही आप फोटो एंड सिग्नेचर करेक्शन करेंगे उसके बाद में ये पैन कार्ड आपके घर सक्सेसफुली होम डिलीवरी भी हो जाएगा और ईमेल ID पे भी आ जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।